हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेशु एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशु बेबी केयर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बच्चों को जन्म घुट्टी कैसे देनी चाहिए, कब से देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए, ठीक है, और कितनी देनी चाहिए। ये सारी इस वीडियो में मैं आप सबको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता ही होगा कि बच्चों के लिए जन्म घुट्टी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि पूरे तरीके से बच्चों के लिए सेफ होती है और ये आयुर्वेदिक चीजों से बनाई जाती है। इसलिए बच्चे को देने में इसमें किसी भी तरीके की कोई भी दुविधा नहीं है, बच्चे को आप दे सकती हैं। लेकिन उसकी क्वांटिटी कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को दस्त, पेट में दर्द, बच्चे का पेट फूला फूला सा रहना, बच्चे को लगातार उल्टी करना और आपका बच्चा लगातार रो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे कि क्या दिक्कत है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बच्चे को जन्म घुट्टी देना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका बच्चा टाइट पॉटी कर रहा है, बच्चे को टाइट पॉटी आ रही है, मतलब कब्ज की दिक्कत हो रही है, या बच्चे ने 3-4 दिन से 5 दिन से पॉटी नहीं की है, तो भी आप अपने बच्चे को जन्म घुट्टी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर आपके बच्चे को कब्ज है और काफ़ी दिन से बच्चे ने पॉटी नहीं की है, तो आपको हल्के गुनगुने पानी में, बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी में आपको बच्चे को जन्म घुट्टी देना है। बाकी प्रॉब्लम्स में आपको ठंडे पानी में देना है, लेकिन ठंडा पानी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पानी को उबाल लेना है, फिर जो उबला हुआ पानी ठंडा हो जाता है उस पानी से फिर आपको अपने बच्चे को जन्म घुट्टी देना है। आइए जान लेते हैं कि कितने महीने के बच्चे को कितनी मात्रा में आपको जन्म घुट्टी देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स 1 महीने से 3 महीने के बच्चे के लिए। तो फ्रेंड्स 1 महीने से 3 महीने के बच्चे को आप 1 ml मतलब कि 15 से 20 बूंद जन्म घुट्टी की दे सकते हैं। इसके बाद 4 से 6 महीने के बच्चे के लिए, तो 4 से 6 महीने के बच्चे को आप 2.5 ml जो मेडिसिन वाला कैप आता है ना व्हाइट, उसमें लिखा होता है 2.5 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml, इस तरीके से उसमें लिखा होता है। तो आप 4 से 6 महीने के बच्चे को उस ढक्कन के हिसाब से आप 2.5 ml तक बच्चे को दे सकते हैं, मतलब कि जो छोटी चम्मच होती है टीस्पून, उसकी आधा चम्मच आप 4 से 6 महीने के बच्चे को दें। इसके बाद आपका बच्चा 7 महीने या फिर उससे बड़ा है, तो आप अपने बच्चे को 5 ml तक, मतलब जो दवाई वाला ढक्कन आता है उसके आधा ढक्कन आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, मतलब कि पूरा 1 छोटा चम्मच। इसके बाद आपका बच्चा 1 साल का हो गया है या 1 साल से बड़ा है, तो आप अपने बच्चे को जन्म घुट्टी 10 ml तक दे सकते हैं। 10 ml मतलब कि 2 छोटे चम्मच आप अपने बच्चे को जन्म घुट्टी दे सकते हैं। आपको इसको 2 टाइम देना है, सुबह और शाम। बच्चे को जो मैंने बताई, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने बच्चे को 2 टाइम जन्म घुट्टी दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप बच्चे को कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, वो जन्म घुट्टी हो या अदर कोई मेडिसिन हो, तो बॉटल को अच्छे से पहले शेक कर लेना चाहिए, तभी जाके बच्चे को मेडिसिन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी ये जानने में कि बच्चे को जन्म घुट्टी कैसे देना है और देने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। आप अपना टॉपिक भी मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।